सस्रीकाल, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि गरेवाल व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग सेफ सुरक्षित होंगे अपने घरों पे। सो आज की जो वीडियो है वो है मेरे उन प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए जिन्होंने स्पेशली कमेंट्स में लिख के मुझे कहा था कि मैं अपनी आफ्टर मैरिज लुक का जो मेकअप है जो मैं डेली करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आज मैं मेकअप कर रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पे एक वीडियो बना दूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो शुरू करते हैं। सो गाइस, फेस वॉश मैंने कर लिया है और जो सबसे पहला स्टेप है वो है मॉइस्चराइजर। सो मॉइस्चराइजर की जगह मैं लगाऊंगी एलोवेरा जेल। सो आप लोग मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हैं पर मुझे एलोवेरा जेल ज्यादा अच्छा लगता है, मैं ज्यादा प्रिफर करूंगी एलोवेरा जेल अप्लाई करती हूँ। मेरे नीचे मिरर है तो मैं मिरर में देख कर लगाऊंगी बिकॉज कैमरे में देख के अच्छे से नहीं लगता। तो एलोवेरा जेल की अच्छे से आप मसाज कीजिए ताकि ये अच्छे से आपकी स्किन में ऑब्जर्व हो जाए, क्योंकि एलोवेरा जेल तो वैसे ही बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, तो इसका कोई भी हार्म नहीं है। आप बिना मेकअप के भी एज लाइक नाइट क्रीम भी आप इसको यूज कर सकते हैं या मॉर्निंग में भी आप यूज कर सकते हैं। सो या मेरा मॉइस्चराइजर हो गया है डन। अब इसके बाद प्राइमर मैं स्किप करूंगी क्योंकि मैं इतना ज्यादा हैवी मेकअप नहीं करूंगी जिसके लिए मुझे प्राइमर यूज करने की जरूरत है। मैं बहुत ही लाइट मेकअप करूंगी जो ठहर जाता है, मतलब जल्दी नहीं निकलता। सो जो नेक्स्ट स्टेप है वो है मेरा फाउंडेशन। सो फाउंडेशन मैं क्लिनिक का यूज कर रही हूं और बहुत थोड़ा सा करूंगी। ये मेरा फेवरेट है, वन ऑफ दी फेवरेट है। मेरा फेवरेट फाउंडेशन कौन सा है मैं उसके लिए भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। फिलहाल मैं घर पे एक क्लिनिक यूज करती हूँ जब भी मुझे रेडी होना होता है। सो डॉट डॉट करके इसको मैं अपने पूरे फेस पे लगा लूंगी। थोड़ा सा नेक पे भी लगा लूंगी ताकि थोड़ा इवन लगे। तो इस ब्लेंडर की हेल्प से मैं अपने फाउंडेशन को अपनी स्किन पे अच्छे से मर्ज करूंगी। सॉरी, मिरर ऐसा ही आपको पीछे का भी दिखेगा। यूजुअली मैं प्रेफर करती हूँ अपनी हाथ से करना, मैं ब्लेंडर बहुत कम यूज कर रही हूँ क्योंकि कई लोगों को हाथ से लगाना अच्छा लगता है। लाइक मी, मुझे हाथ से ही लगाना अच्छा लगता है। ये थोड़ा सा डार्क टोन है क्योंकि मेरा जो स्किन कलर है वो थोड़ा लाइट है और फाउंडेशन हमेशा मैं एक शेड डार्क लेती हूँ तो उससे बहुत नेचुरल लुक आता है। क्योंकि अगर आप अपनी टोन के हिसाब से सेम कलर का फाउंडेशन लोगे तो आपकी जो स्किन कलर है वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट वाइट चिट्टा चिट्टा लगेगा। तो इट्स बेटर कि आप लोग ना जो भी फाउंडेशन खरीदे एक टोन डार्क ही खरीदे तो बहुत ही नेचुरल लुक आएगा। और जब आप फाउंडेशन अपने फेस पे लगा रहे हैं तो भूलना मत कि जो आपका आई एरिया है आप उसको भी अच्छे से कवर करें। तो ये जो ब्यूटी ब्लेंडर है आप इसको हमेशा डैप डैप करके ही यूज करना, इसको कभी भी ड्रैग मत करना क्योंकि अगर आप इसको ड्रैग करोगे तो यहाँ जो फाउंडेशन लगा होगा वो यहाँ से निकल के कहीं और ही चला जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप अगर इसको डैप डैप करोगे ना तो बहुत ईजिली और अच्छे से ये आपके स्किन में मर्ज हो जाएगा। और इस ब्लेंडर को यूज करने से पहले प्लीज वॉश कर लेना अच्छे से और इसको अच्छे से निचोड़ लेना। और ये ब्लेंडर आपका गीला होना चाहिए, ड्राई ब्लेंडर मत यूज करना नहीं तो बहुत ही पैची मेकअप लगेगा। सो ब्लेंडर हमेशा थोड़ा सा वेट होना चाहिए। सो फाउंडेशन के बाद है बारी कॉन्टोरिंग की, पर मैं घर पे हूँ तो मैं घर पे कॉन्टोरिंग नहीं करती हूँ, पर मैं आप लोगों के लिए स्पेशली वीडियो बना रही हूँ तो मैं आपको बताऊंगी कि कॉन्टोरिंग कैसे करते हैं। सो कॉन्टोरिंग के लिए मैं ये शुगर का पैलेट यूज कर रही हूँ जिसमें ऑलरेडी 3 शेड्स हैं, कॉन्टोरिंग, हाईलाइट और ब्लशर। सो ये बहुत ही अच्छा पैक है। सॉरी, थोड़ा सा गंदा हो रखा है क्योंकि इतना यूज करती तो एनीवेज। सो सबसे पहले मैं कॉन्टोरिंग यूज करूंगी और कॉन्टोरिंग मैं अपने हाथ से ही यूज करती हूँ, बहुत कम ब्रश यूज करूंगी। पर हाँ, उसको अच्छे से मर्ज करने के लिए मैं ब्रश का यूज करूंगी। सो कॉन्टोरिंग के लिए मैंने फिंगर से ये ले लिया है और इसको इस तरह से नोज पे कर लिया, दिख रहा होगा आपको। और फिर थोड़ा सा साइड्स पे कर लिया और यहाँ पे। फोरहेड पे थोड़ा सा, ताकि थोड़ी सी अच्छी सी शेप आ जाए। सो ये हो गया है मेरा, मैंने मार्क लगा लिया। अभी इसको मैं मर्ज करूंगी। सो मर्ज करने के लिए मैं ये वाला ब्रश यूज करूंगी क्योंकि ये ब्रश मेरा टूट गया है, तो मैं आपको इसे मर्ज करके दिखाती हूँ। और जो नोज का बाकी है उसको मैं फिंगर से ही करूंगी। कॉन्टूरिंग मेरा फेवरेट पार्ट है क्योंकि इससे जो फेस है आपका बहुत अच्छे से शेप में आ जाता है। अगर जिनका गोल फेस है तो अगर उनको कॉन्टूरिंग करें तो फेस आपका लंबा और बहुत ही टोन्ड लगता है, यू नो, बहुत ही अच्छी शेप में आ जाता है। तो कॉन्टूरिंग इज माय फेवरेट पार्ट। पर घर पे होती हूँ तो घर पे कॉन्टूरिंग की जरूरत नहीं है, कौन देख रहा है। पर कहीं अगर बाहर जाती हूँ तो कॉन्टूरिंग तो मस्ट है। तो ये हो गया है कॉन्टूरिंग डन। अब इसके बाद है बारी आईज की। आईज पे मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, बहुत ही सिंपल रखूँगी। वो डिज़ाइन विज़ाइन कुछ नहीं करने वाली, मैं बहुत ही सिंपल रखूँगी। तो उसके लिए मैंने ये शुगर का आईलाइनर बोल लो, इसको काजल बोल लो आप, या आई शेड है, आप तीनों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरह से है कुछ, अगर देखिएगा आपको, रुको, ऐसे है। तो ये थोड़ा सा शिमरी है इस तरह से, अगर आपको दिख रहा है शिमर शिमर सा। सो इसी को मैं तीनों में यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है घर पे कि मैं अपनी आईज अच्छे से बनाऊँ, यू नो। तो बहुत ही सिंपल है ये। तो इसको मैं ऊपर आईलेड के ऊपर लगाऊंगी, काजल पे भी इसी को लगाऊंगी। और आईलाइनर मैं यूज़ नहीं करती हूँ घर पे, बाहर कहीं जाऊँगी तो ही यूज़ करूँगी। सो अभी इसको लगाती हूँ। सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करूंगी और उसको फिंगर से ना उसको अच्छे से फैला दूंगी, सिर्फ आईलिड पे। इस तरह से थोड़ा, अगर आप डार्क करना चाहे तो इसको आप डबल भी कर सकते हैं, पर मैं इतना ही करना पसंद करूंगी, ज़्यादा नहीं। इस तरह से सो आईलिड पे मैंने लगा लिया है। अब इसके बाद इसी से मैं काजल भी लगाऊंगी। सो इस तरह से मैंने इसको काजल के लिए भी यूज कर लिया। अभी जो मेरा अंदर का एरिया है आईज का, उस पर मैं ये व्हाइट काजल लगाऊंगी। तो इससे क्या होता है, आपकी अगर आंखें छोटी हैं तो आपकी आंखें बड़ी लगती हैं, वाइड लगती हैं। मेरी ऑलरेडी बड़ी है पर मुझे अच्छा लगता है ये व्हाइट काजल लगाना। सो मैं ये अप्लाई करूंगी। मेरे हेयर कलर करने का भी टाइम आ गया है। एक दो जो है ग्रे हो चुके हैं लॉकडाउन में। सो मेरा काजल हो गया डन। काजल के बाद मैं ये मेबेलिन का मस्कारा यूज करूंगी, हल्का हल्का। अब इसके बाद है बारी आईब्रोज की। सो आईब्रोज के लिए मैं ये यूज करती हूँ वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो पायलट। छोटा सा क्यूट सा है, ये देखिए, छोटा सा है। सो इसमें ये जो है ब्राउन, एक मिनट, ये ब्राउन एंड ब्लैक दोनों को मैं मर्ज करके ही लगाती हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे जो आईब्रोज हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क हैं, ब्लैक हैं। तो अगर मैं ब्लैक लगाऊंगी तो क्रूसिंग ही लगूंगी। तो इट्स बेटर कि मैं ये ब्राउन वाला ज़्यादा यूज़ करती हूँ और जो ब्लैक है हल्का सा यूज़ करती हूँ, इस तरह से। और हाँ, मैंने आज अपने आईब्रो भी घर पे ही किए हैं क्योंकि लॉकडाउन में किसी भी सैलून में जाना थोड़ा रिस्की ही है। अपनी खुद की सेफ्टी के लिए आप लोग भी अपने आईब्रोज वगैरह घर पे कीजिए। और अगर किसी को जानना है कि मैंने आईब्रोज कैसे किए हैं घर पे, तो मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगी अगर आप लोग चाहेंगे तो। सो वन आईब्रो इज डन। घर पे हो तो ये है मेरा एक सिंपल तरीका आईब्रो करने का। मैं वो ज़्यादा तामझाम नहीं कर रही हूँ, बहुत ही सिंपल दिखाऊंगी। किसी दिन एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी फुल मेकअप के ऊपर और जिसमें मैं सब कुछ यूज़ करूंगी। तो फिलहाल बहुत सी चीज़ें मैंने स्किप की हैं क्योंकि ये घर का मेकअप है जो मैं आफ्टर मैरिज करती हूँ। सो ये मत प्लीज कमेंट्स में लिखना आपने ये छोड़ दिया, आपने वो छोड़ दिया, आपने ये नहीं किया। मुझे पता है मैंने काफी कुछ छोड़ा है, क्योंकि मैं नहीं प्रॉपर मेकअप करना चाहती घर पे, क्योंकि घर पे आपको काम भी करना पड़ता है और चीजें भी होती हैं करने को, तो आप इतना मेकअप करके नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ा आराम भी चाहिए होता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा मेकअप है जो मैं करती हूँ आफ्टर मैरिज। सो आईब्रो ऑल्सो डन। अभी इसके बाद बारी है लूज पाउडर की, जो मैं अब यूज कर रही हूँ, क्योंकि मेरी जो स्किन है वो टी जोन जो है वो है ऑयली। सो उसके लिए मैं ये क्लिनिक का है लूज पाउडर, तो मैं बहुत ही थोड़ा सा लूंगी, छोटू सा, ज्यादा नहीं। सो अब इसके बाद है ब्लशर की बारी। सो ब्लशर के लिए अगेन मेरी शुगर की पायलट, जिसमें ऑलरेडी ब्लश ऑन है, मैंने आपको पहले दिखाया था। सो ब्लश हल्का हल्का कर लेते हैं। ये हो गया ब्लश, ज़्यादा आपको अभी लगेगा, मैं इसको बाद में सेटल करूंगी अपने मेकअप फिक्सर से। ब्लशर के बाद बारी है हाइलाइट्स की। हाइलाइटर मैंने नहीं लगाया था, यूजुअली नहीं लगाती हूँ, पर आप लोगों के लिए हल्का हल्का लगा लेती हूँ ताकि आईज जो है थोड़ी सी अच्छी लगेंगी। सो हाइलाइटर हल्का हल्का मैं यहाँ लगा रही हूँ, नोज के ब्रिज पे थोड़ा सा लगा रही हूँ। इधर थोड़ा सा चिन पे हल्का सा, और थोड़ा सा इधर, ताकि आपकी चीक्स अच्छी सी शाइनी शाइनी लगे। उसके बाद मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूंगी। अभी इसके बाद है किसकी बारी? अभी इसके बाद है बारी लिपस्टिक की। सो लिपस्टिक के लिए है लिप लाइनर, आई मीन लिपस्टिक की। तो लिपस्टिक लगाने से पहले मैं लिप लाइनर लगाऊंगी, अपने जो लिप्स है उसको अच्छे से शेप दूंगी। सो लिप लाइनर लग गया है, अभी इसके बाद है लिपस्टिक की बारी। सो लिपस्टिक में मैं मैक यूज कर रही हूँ। मैक नंबर है 306, पता नहीं आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा, कैसे दिखाऊं, एक्चुअली बहुत गंदा हो रखा है नीचे से, दिख रहा है? इट्स 306। सो इसको मैं हल्का हल्का लगा रही हूँ। तो एक और चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, मैं कभी भी एक लिपस्टिक नहीं लगाती हूँ, मैं हमेशा एक से ज्यादा लिपस्टिक लगाती हूँ, मतलब 2-3 शेड्स को मर्ज करती हूँ, तो कुछ और ही कलर निकल के आता है। तो अभी भी मैं सिर्फ ये मैक नहीं रखूंगी, इसके ऊपर मैं एक और लिपस्टिक लगाऊंगी, तो देखते हैं क्या शेड निकल के आता है। तो जो सेकेंड शेड है वो है कलर बार का आउटरीच 005। तो इसको मैं इसके ऊपर इसके ऊपर लगाऊंगी। और अभी मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा लिपस्टिक लगा ली है, तो क्या करती हूँ मैं इसको विद द हेल्प ऑफ टिश्यू मैं इसको थोड़ा पोंछ के थोड़ा इसको लाइट कर देती हूँ। सो ये होगी है लाइट। और अब इसके बाद है बारी बिंदी की, क्योंकि बिंदी के बिना तो इंडियन लुक कंप्लीट ही नहीं होता। सो ये मैंने पहन ली है बिंदी। सो गाइस, लास्ट स्टेप है जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसे आपका जो मेकअप है हमेशा फिक्स रहेगा, वो है मेकअप फिक्सर, जो कि है प्लम का। और यूजुअली क्या होता है, अगर आपने बहुत हैवी आई मेकअप किया होता है तो आप कोशिश करिए कि आप अपनी आईज को कवर करें और उसके बाद ही मिस्ट लगाएं, पर मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने आईज पे बहुत ज़्यादा हैवी किया है, बहुत सिंपल है और ये इधर उधर हिलेगा भी नहीं, तो मैं पूरे फेस पे ही इसको यूज़ कर रही हूँ। मेरा जो है मेकअप ऑलमोस्ट हो गया है, ऑलमोस्ट नहीं, हो ही गया है, डन। सो मेकअप हो गया है डन। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कॉमेंट कीजिए, बताइए, मैं कोशिश करूंगी आपका आंसर करने के लिए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपना फाइनल लुक। सो गाइस, मेकअप हो गया है मेरा पूरा और दिस इज माय आफ्टर मैरिज लुक जो मैं रेगुलरली कर रही हूँ शादी के बाद। सो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज डू लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। अभी तक जिन्होंने नहीं किया और जिन्होंने किया उनको थैंक यू सो मच। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कॉमेंट में हार्ट देना मत भूलना। सो मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, गुड नाइट। नॉट गुड नाइट, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।